जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। कुछ गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है संसार की पूर्ण व्यवस्था पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार होती है। 9 अगस्त 1988 को कुछ गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार भर के प्राणी जो कुछ करते आ रहे हैं और आगे किसको क्या करना है यह सब पूर्व निश्चित है। त्रिगुणमयी माया से भ्रमित हुआ मानव स्वयं को कर्ता मानकर जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमति मन्यते। गीता 3:27 अर्थात हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। इसे और स्पष्ट करते हुए भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इस संबंध में गीता के 11वें अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक में भगवान ने कहा है, तस्मात्व मुत्थिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंगस्व राज्यम समृद्धम मयवैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सब विसाचिन। गीता 11:33 द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान्यपि योद्वीरान मया हन्तास्तुतम जहि मा वैतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपतनान। गीता 11:34 अर्थात इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग, और यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। ईश्वर का अवतार तामसिक सत्ता के विनाश के लिए ही होता है। तीसरे विश्व युद्ध में 2/3 जनसंख्या खत्म होने का स्पष्ट अर्थ है कि श्री अरविंद की घोषणा के अनुसार 24 नवंबर 1926 को पृथ्वी पर श्री कृष्ण का अवतरण हो चुका है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप कर रहे हो मन संचालन धनंजय गुरु भाई? हाँ गुरु बहन, मैं कर लेता हूँ क्योंकि कल मैं एब्सेंट था, तो अगर आप करना चाहे बाकी मैं आज कर लेता हूँ। कल कोई नहीं होगा तो कल मैं कर लूंगी। ठीक है गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सारे गुरु बहन भाइयों को। गुरु त्याग सिद्ध योग में आप सभी गुरु बहन भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ। तो ये हमारे जो गुरुदेव हैं समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग, उनका ये सेशन है। इसके अंदर हम गुरुदेव की बताई हुई बात का प्रचार करते हैं कि कैसे हमें 2400 घंटे गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र मन ही मन जपना है और सुबह शाम गुरुदेव से प्रार्थना करके भूखे पेट गुरुदेव को आज्ञा चक्र पे धारण करके और उनसे विनती करके बैठना है कि हे प्रभु, हमें 15 मिनट का ध्यान लगवाएं और हमें इस योग को करना है।
तो ये जो साधना है ये साक्षात हमारे परम पिता ने हमें दी है और ये एक ऐसा अमूल्य तोहफा और उपहार है जो हमारी जीवन में बहुत परिवर्तन ला रहा है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे गुरुदेव के मंत्र और साधना से हमारे जीवन में चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमारी मानसिक बीमारियाँ सही होती है, शारीरिक बीमारियाँ सही होती है, आध्यात्मिक बीमारियाँ सही होती है और हमारे जीवन में रूपांतरण आता है और हम अपने तीनों गुणों से ऊपर उठ के त्रिगुणातीत में लय हो जाते हैं। तो मतलब पहले हम तमो से रजो में, रजो से सत्व में आते हैं, सत्व से हम एक बहुत अच्छे मनुष्य बनके फिर गुरु अगर हमसे खुश होता है तो वो हमें अपनी और त्रिगुणातीत वाली माया से परे करके अपने को हमें अपने पास बुला लेता है। तो जो भी हमारे जीवन में परिवर्तन आए हैं साधना से या जो भी आते हैं वो हम इस मंच पे रखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, और हमारे जो अनुभव हमारी अनुभूतियाँ हैं हम पूरे संसार के सामने रखते हैं और हमारे जो भी सेशन से या इस साधना से रिलेटेड जो भी मन में शंका प्रश्न है वो हम इस मंच के माध्यम से इस सेशन में रखते हैं। तो मैं पुनः सारे गुरु बहन भाइयों का स्वागत करूंगा और सारे गुरु बहन भाइयों को आमंत्रित करूंगा कि कृपया अगर आप मंच से जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा अपनी अनुभूति अपना अनुभव शेयर करें, क्योंकि यही गुरु प्रचार है और यही गुरु का प्रसार है और यही हमारी मतलब एक निमित्त मात्र एक बहुत छोटी सी गुरु को दक्षिणा देते हैं हम। बाकी हमारे गुरुदेव ने हमसे कुछ नहीं मांगा और ना वो कभी मांगते हैं। बाकी जय गुरुदेव सारे गुरु बहन भाई, जो भी गुरु बहन भाई आए मंच पर अपनी बात रखें, आपका स्वागत। चलिए तब तक कोई अपनी अनुभूति वो नहीं रखता है तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने अभी मतलब मेरे स्टाफ को सबको गुरुदेव का पिछले गुरुवार इस गुरुवार सारे गुरु बहन भाई जितने भी मतलब अब तो मेरा स्टाफ मेरा गुरु परिवार बन चुका है, तो मैंने मेरे सारे कर्मचारियों को मतलब गुरुदेव की फ़ोटो दिखा के और गुरुदेव का ध्यान करवाया तो गुरुदेव ने ऐसा पूरे स्टाफ को अपने शरण में लिया है कि सारे गुरु बहन भाइयों को किसी को तो मतलब स्टाफ में नीला प्रकाश दिख रहा है, तब कहने लग गए कि सर मतलब ये तो कोई बहुत बड़ी शक्ति है, मतलब ये तो कोई आम शक्ति नहीं हो सकती। तो अब मेरा स्टाफ डेली गुरुदेव का नाम जपने भी लग गया है, पूरे टाइम स्टाफ बैठ के चाहे सिक्योरिटी हो चाहे कोई भी स्टाफ हो पूरे दिन फोन में मंत्र चलता रहता है, जब भी कहीं पे भी जाओ तो संजीवनी मंत्र सुनाई देता है फोन में, सब लगे हुए हैं उस मंत्र को याद करने में, हर जगह जगह गुरुदेव की फोटो के पोस्टर हैं, गुरुदेव ही गुरुदेव लग चुके हैं, पूरा स्टाफ बैठ के कोई घर से ध्यान करके आता है कोई ऑफिस में आके ध्यान करता है। तो मतलब आप गुरुदेव की कृपा मानिए, इतना अच्छा माहौल हो चुका है, गुरु परिवार बन चुका है और स्टाफ सब कह रहा है कि सर मतलब इससे बड़ी बात हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकती। तो मैंने कहा आप उनको धन्यवाद करिए जो वहाँ बैठे हैं। तो बहुत अच्छी अनुभूतियाँ चल रही है, किसी को योगिक मूवमेंट हो रहा है, किसी को नीला प्रकाश दिख रहा है, एक हमारे हैं वो तो बोल रहे थे सर कि अगर 15 मिनट हो गए वो आपने कहा कि उठ जाइए वरना तो मैं पता नहीं किस अवस्था में चला जाता। एक गुरु मेरे स्टाफ हैं गुरु भाई हैं उनको तो पूरा बोल रहे थे सर मैं तो आखिरी के 5 मिनट में ब्रह्मांड में ही पहुंच गया और मैं बड़ा ही व्याकुल सा हो गया, ये हुआ क्या है। तो मैंने कहा देखिए वो तो कृपा हमारे गुरुदेव की है जो ये करवाते हैं और करते हैं, बाकी गुरुदेव की असीम कृपा से आज मेरा पूरा स्टाफ A to Z एवरीवन गुरुदेव का नाम जप रहे हैं, गुरुदेव का मंत्र सुन रहे हैं, गुरुदेव का ज्यादा से ज्यादा मंत्र याद कर रहे हैं। मेरे स्टाफ में ऐसी भी 2-3 महिलाएं हैं जो मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, उनको याद नहीं होता, और एक बाबा भी हैं तो वो गुरुदेव को पूरे टाइम जय गुरुदेव करते हैं और वो भी गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। तो एक बहुत ही सात्विक माहौल बन चुका है। तो मैं धन्यवाद देते हैं हम सब गुरुदेव को कि मतलब ये गुरुदेव ने बहुत अच्छा करा। और अब एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि अभी मेरी मम्मी भी गुरुदेव का ध्यान करना शुरू हो गई है और गुरुदेव का नाम जपती है। तो अभी परसों मेरी मम्मी को एक सपना आया कि किसी लड़की ने मेरे ऊपर आरोप लगाया और उसमें मैं फंस सकता हूँ। तो मम्मी ने बोला बेटा मुझे ऐसा सपना आया, मैंने कहा मम्मी आता रहता है कोई बड़ी बात नहीं है, और वही सपना मुझे कल रात में आया कि एक लड़की है वो अब मुझ पर आरोप लगा के छत पे कूद गई, मम्मी को पुल से कूदती हुई दिखी थी। तो मैं भी बड़ा यूं व्याकुल हो गया, फिर मैंने कहा देखो गुरुदेव आप जानो आपका काम जाने, जो आपको उचित लगे आप करो, अगर मेरे पे कोई आरोप लगता है या मेरे पे कोई भी लड़की कुछ भी आरोप लगाती है तो मैंने कहा ठीक है गुरुदेव अगर आप चाहोगे तो मुझे स्वीकार है, जैसा आप करो। और मैं ध्यान कर रहा था सुबह
तो अंदर से पता नहीं, ऐसे कुछ नहीं कहूंगा कि गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव आए, बट अंदर से एक प्रेरणा आई कि होगा तो सही बट वो छूके निकल जाएगा। और अभी 1 घंटे पहले पुलिस आई, वो लड़की आई और उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश करी। पता नहीं वो अंदर से कौन सी आवाज आई, मैंने कहा प्रूफ दिखाओ, कैसे आरोप लगा सकते हो? आरोप किसी और लड़के पे लगाना चाहती थी जिसके साथ वो होटल में पहले आई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। फिर उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं है, वो तो वही लड़का है। तो आप देखिए कि गुरुदेव का इतना आशीर्वाद है कि गुरुदेव ने ये चीज मेरी मम्मी को और मुझे पहले ही दिखा दी और वो मेरे सामने, पुलिस खड़ी है, सीआई खड़ा है, सब खड़े, और मैं निडरता से दहाड़ा, उनका कैसे आरोप लगा सकते हो, कौन होते हो तुम आरोप लगाने वाले, लाओ सबूत लाओ। तो वो लड़की, उसकी माँ, उसके भाई और वो सब डर गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं है, तो वो लड़का था। मैंने कहा सर उसकी मैं आपको एंट्री दे दूंगा। तो आप देखिए मतलब गुरुदेव कितने दयालु हैं और कितने वो परम पिता हम पे दया करते हैं। तो मैंने, ये तो अभी मेरे रिसेंट का ही एक्सपीरियंस है, अभी आधे घंटे पहले का, 7:30 बजे का ही। तो मैंने कहा ये मैं आज गुरु परिवार के सामने ये बात रखूंगा कि कैसे हमारे गुरुदेव हमें बड़ी से बड़ी समस्या से बचा देते हैं। और आज मुझे गुरुदेव ने ध्यान में, और ऐसा लग गया था कि मुझे ये हो सकता है, पर गुरुदेव ने अंदर से प्रेरणा दी कि छूके निकलेगा, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे प्रभु का, गुरुदेव। चलिए, मेरी काफी अनुभूतियां मैंने बता दी है। मैं सेशन से आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया कर आप भी आए और इस मंच पर अपनी अनुभूति रखें। कोई भी गुरु बहन भाई अगर अपनी बात रखना चाहे तो। शंकर सिंह गुरु भाई मंच पे, मैंने नाम आज पहली बार देखा, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शंकर सिंह गुरु भाई, अगर आप आए और अपनी कोई बात रखें, अपना इंट्रो रखें, तो आपका स्वागत है इस मंच पे, इस गुरु परिवार के इस सेशन में। शंकर सिंह गुरु भाई अगर आप आना चाहते हैं तो आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। चलिए, शायद शंकर सिंह गुरु भाई आनंद की स्थिति में, और वो काफी आनंद में हो रहे हैं। चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगा कि विनोद जी गुरु भाई आके किसी भी अनुभूति को पाठन करें, तो अनुभूति का, और इस मंच पे रखें कि कैसे गुरुदेव के दर्शन से। सुरेश शर्मा जी भी हैं, अगर आप आना चाहें सुरेश गुरु भाई। चलिए कोई नहीं, सुरेश जी भी नहीं आना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे, तब गुरुदेव बुलवाना चाहेंगे तो वो बुलवा लेंगे। तो हम इस सेशन को, वाकई मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमें नाम जप करना चाहिए, क्योंकि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक वो गुरुदेव के शिष्यों में रहा हूँ या उनके बच्चों में रहा हूँ जो कि बहुत व्याकुल रहता था, इधर उधर भागता था, और अपनी पूरी आस्था गुरुदेव में नहीं रख के गुरु बहन भाइयों में रखता था। उसमें मैं किसी गुरु बहन भाई को दोष नहीं दूंगा और दोष देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई। तो वो बात कहते हैं ना कि आपकी आस्था डिवाइड हो जाती है और आपकी आस्था भटक जाती है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं नाम जप तो करता था, गुरुदेव पे भी था, बट मैं बाहर उत्तर तलाशता था। बहुत हर्डल्स आए, बहुत डिफिकल्टी आई, बट गुरु के नाम ने इतना परिवर्तन लाया जीवन में कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मतलब आज भी तब मैं अपना आपको देखता हूँ और अभी भी अपना मतलब श्रद्धा होता है जीवन में, तो एक सपना सा लगता है कि ये धनंजय आप नहीं हो सकते। मतलब इतना चेंज, इतना ड्रास्टिक चेंज, वो भी मेरे जैसे मनुष्य में जो इतना रिजिड, इतना रूढ़िवादी और इतना जिद्दी था। पर देखिए गुरुदेव के लिए क्षण मात्र का खेल है, तो गुरुदेव आपके नाम जप से आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। तो नाम जप एक ऐसी चीज है जो कि हमें पूरे टाइम करती रहनी चाहिए, नाद भी सुनते रहना चाहिए, और गुरुदेव को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु इस साधना में मंत्र भी आप हो, देने वाले भी आप हो, पकड़ने वाले भी आप हो, करवाने वाले भी आप हो, कुंडलिनी भी आप हो, जो भी हो आप हो, तो इस साधना में हमें क्या करना है क्या नहीं करना हमें नहीं पता। गलत कर रहे हैं तो आप सुधारो, सही कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ाओ, हमें कुछ नहीं पता हमें क्या करना है, बट हाँ सुनूंगा या सुनूंगी तो सिर्फ आपकी और किसी की।
ठीक है, तो वो ही एट द एंड काम आता है, भले ही गुरुदेव थोड़ा लेट रिप्लाई दे या 2 मिनट लगा दे, 2 महीने लगा दे, 2 हफ्ते लगा दे, बट गुरु कभी डिले नहीं करता, वो हमेशा आपके लिए और हमारे लिए, हम सबके लिए खड़े रहते हैं गुरुदेव। तो वो नाम जब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है साधना में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और गुरुदेव हमारी हर पथ पे हर समय बहुत रक्षा करते हैं, और हमें हमेशा उनके मतलब श्री चरणों में ही रहना चाहिए। तो चलिए मैं विनोद जी गुरु भाई को बुलाऊंगा कि गुरु भाई सेशन में भी कोई गुरु बहन भाई कुछ अनुभव भी रख नहीं रहे, तो आप कृपया कर मंच पे आके और वो गुरुदेव के जो एक्सपीरियंसेस हैं कृपया उनको पढ़ दीजिए। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई, विनोद जय गुरुदेव। गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई अनुभूति पढ़ने के लिए आप बोल रहे हैं, मैं एक पढ़ देता हूं अनुभूति, जी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये श्री जवाहरलाल बोहरा जी हैं, इनकी अनुभूति है ये जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। कैंसर व हेपेटाइटिस बी से मुक्ति, इनका पता लिखा हुआ है जवाहरलाल बोहरा, केयर ऑफ सुल्तान सिंह जी चारण, ऑपोजिट कुम्हारों का मंदिर, फर्स्ट बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर, राजस्थान। ये जो इनकी अनुभूति है, इनका एक्सपीरियंस है, ये इंटरव्यू के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इनसे प्रश्न पूछे गए थे और इन्होंने जवाब दिए थे। तो इनसे प्रश्न पूछा गया, आप क्या कार्य करते थे वह कहां पर? तो जवाहरलाल जी जवाब देते हैं, मुंबई में शेयर मार्केट में दलाली का कार्य करता था तथा मैं फलोदी का पुष्करणा ब्राह्मण हूं। मुंबई में मेरा अच्छा कारोबार चल रहा था। आपको कैंसर के बारे में कब मालूम हुआ और उसके बाद आपने कहां पर चेकअप कराया? बोहरा साहब कहते हैं, जब मैं 1997-98 में मुंबई था तो मुझे मुंह के दाईं ओर के गाल में थोड़ी सूजन महसूस हुई, फिर गांठ धीरे धीरे बढ़ने लगी और मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कैंसर है और 15 दिन के अंदर तो मुझे चारपाई पकड़नी पड़ी, मुंह बिल्कुल बंद हो गया। बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट में चेकअप कराया, 2 महीने तक डॉक्टर एन के आप्टे व एन एच वंका का इलाज चला, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर सुख सागर स्थित उनके प्राइवेट चैम्बर में हमने 2 महीने तक इलाज करवाया, लगभग अलग अलग जगह 8 महीने तक ट्रीटमेंट लेते रहे, लेकिन फर्क पड़ने की बजाय रोग बढ़ता ही गया। तंग आकर मेरी पत्नी व घरवाले मुझे जोधपुर ले आए। जोधपुर में आपने कहां पर इलाज कराया और डॉक्टरों ने क्या कहा? जोधपुर आकर, बोरा साहब कहते हैं, जोधपुर आकर मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में डॉक्टर अरविंद माथुर को दिखाया। उन्होंने सारी रिपोर्ट देखकर कहा कि आप तुरंत मुंबई चले जाओ, आपको शुरुआती कैंसर है,
इसलिए आप मुंबई जाकर इसका तुरंत इलाज कराओ। तो मेरी पत्नी ने कहा कि मुंबई से तो हम लोग जोधपुर आए हैं, अब आप ही कुछ इलाज करो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ इनका इलाज संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर आपको कैसा महसूस हुआ तथा आपने क्या कदम उठाया? भोला साहब ने जवाब दिया, मैं तो पूरी तरह निराश हो चुका था। मेरी पत्नी भी बहुत रोई कि आखिर क्या करें। एक दिन सरदारपुरा सेकंड बी रोड पर श्री रामदयाल जी चौधरी के एसटीडी बूथ पर उनसे मुलाकात हुई। उस समय पूज गुरुदेव जी इनके मकान में रहते थे। रामदयाल जी ने बताया कि आप गुरुदेव का ध्यान करो तो पूर्णतः ठीक हो जाओगे। आपने दीक्षा कब व कहां ली? मैंने 2 अप्रैल 1998 को गांधी मैदान सरदारपुरा जोधपुर में शक्तिपात दीक्षा लेकर गुरुदेव द्वारा बताए गए संजीवनी मंत्र का जाप व ध्यान शुरू किया। दीक्षा के बाद आप में क्या परिवर्तन आया? मैंने गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर लगातार मंत्र जाप और सुबह शाम ध्यान शुरू किया। विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं ध्यान के दौरान होती थी। 27-28 दिन बाद गांठ फूट गई तथा बिना ऑपरेशन किए ही 2 दिन के अंदर सारी गंदगी निकल गई तथा 3rd-4th दिन तो मैंने नमक मिर्च सहित खाना शुरू कर दिया, जो पिछले 8 या 9 महीने से केवल जूस के सहारे ही जी रहा था। क्या वापस डॉक्टर से चेकअप करवाया? नाम जाप व ध्यान से मेरे शरीर में अचानक इतना परिवर्तन आया कि हमने 5वीं रोड स्थित डॉक्टर सी एस कल्ला से YFC करवाई। RP में रिपोर्ट जांच के लिए दी। 5 दिन में रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी आई। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको कैंसर नहीं है। जब मैं पूर्णतः हट्टा कट्टा हो गया तो मेरी पत्नी के साथ डॉक्टर अरविंद माथुर को दिखाने गया। डॉक्टर साहब को कहा कि आपने तो कहा था कि कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। और उनको बॉम्बे हॉस्पिटल की रिपोर्ट दिखाई जिसमें कैंसर घोषित था। डॉक्टर साहब ने उसको देखकर कहा कि जिनकी रिपोर्ट है तो यह आदमी नहीं है, और यदि आदमी यही है तो इनकी जो रिपोर्ट आप दिखा रहे हो यह सही नहीं है, ऐसा असंभव है। तो मेरी पत्नी ने क्रोध में आकर कहा कि मैं पहले भी इनके साथ आपके पास आई थी और आज भी आई हूं, क्या भारतीय संस्कृति में 2 पति रखना जायज है? और हम लोग अपने घर आ गए। आज आप कैसा महसूस करते हैं तथा आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं? न जाने आपकी तरह कैंसर सहित असाध्य रोगों से कितने ही लाखों करोड़ों लोग जीवन व मृत्यु के बीच तड़प रहे हैं। बोरा साहब कहते हैं, आज दिनांक 4 मई 2008 माइक खुला हुआ है किसी का? भाई दोबारा एक काम वाला बंदा। आज दिनांक 4 मई 2008 को मैं कह रहा हूं कि मेरा यह जीवन गुरु कृपा का ही महाप्रसाद है, क्योंकि भौतिक विज्ञान के हिसाब से तो मेरा जीवन 1998 को ही समाप्त हो चुका था। बीमारी के इलाज में 60-70 हजार रुपए खर्च कर दिए, लेकिन गुरुदेव के चरणों में बिना दवाई के व बिना पैसे के ठीक हो गया। मेरी आम जन से यही राय है कि गुरुदेव से दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाओ। क्या आपने कैंसर की नेगेटिव जांच कराई? भोरा साहब कहते हैं, बीमारी में मेरे गहने व संपत्ति सारी बिक गई, इसलिए मैं दोबारा जांच नहीं करा पाया, लेकिन आज 10 साल से नेगेटिव जांच व रिपोर्ट के रूप में मैं स्वयं जिंदा बैठा हूं, पूर्ण स्वस्थ
वह अपने घर के सब कामकाज कर रहा हूं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की शक्तिपात दीक्षा से इतना बड़ा चमत्कारिक लाभ हुआ, शायद किसी को भी विश्वास ना होगा कि दीक्षा से कैंसर जैसा रोग ठीक हो सकता है। लेकिन मैं जवाहरलाल बोहरा जीता जागता उदाहरण हूं। मेरे लिए तो गुरु जी साक्षात भगवान बनकर ही घर आए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर अनुभूति गुरु भाई ने पढ़ के हमें इस मंच पे सुनाई कि कैसे हमारे प्रभु इस भौतिक विज्ञान को टालकर इस आध्यात्मिक विज्ञान से हमारे सारे रोगों को सही कर देते हैं। और ये रोग गुरुदेव भी कहते हैं कि इस दर्शन में कोई रोग नाम की चीज ही नहीं है, पर तभी कुंडलिनी ऊपर उठती है और वो व्याकुल होती है अपने हरि से मिलने के लिए। तो वो जो बीच में हमारी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स आती हैं उनको मिटाती हुई जाती है, चाहे वो मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो या आध्यात्मिक रोग हो। तो ये बात सत्य है, सत्य ही सनातन है और इस चीज को बिल्कुल नहीं झुठलाया जा सकता। तो आप पहले हमें सबको गुरुदेव पे विश्वास करना पड़ेगा और हमें सघन नाम जप करना पड़ेगा और उसी से हमारे जीवन में पूर्णता परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन आएगा तभी हमारी धारणा हमारे गुरु के प्रति होगी। और ये गुरु ही है, ये परमपिता परमेश्वर वो परम सत्ता ही है जिसने गुरु का रूप धारण करा है और संपूर्ण मानवता का कल्याण करने के लिए नीचे आई है। ये हम सारे गुरु बहन भाइयों को पता है। जितने भी नए गुरु बहन भाई हैं, आप लोगों को ये बात आगे से आगे बढ़ानी है, फैलानी है। और हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है करवाने, और करता तो एक गुरुदेव ही है जो ये कर रहे हैं और करवा रहे हैं, तो हमारा कोई इसमें योगदान नहीं। अगर हम सोच ले हम करता है तो नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि गुरुदेव हमारा मन प्राण बुद्धि शरीर जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो उस मन को भी वही परिवर्तित करते हैं कि हम उनके बारे में भूल पाए, उनके बारे में कुछ लोगों को समझा पाए। और वो गुरुदेव स्वयं खुद के बारे में समझाते हैं हमें यंत्र बनवा के। तो ये बात सत्य है कि करता और करना सब गुरुदेव के ही हाथ में होता है। चलिए मैं और किसी भी गुरु बहन भाइयों को बुलाना चाहूंगा। वैसे अगर सेशन का समय अभी 5 मिनट है, अगर कोई गुरु बहन भाई आके अपनी बात रखना चाहे तो आप सबका मंच पे स्वागत है। गुरु भाई प्रवीण जी, गुरु भाई ने हैंड रेज किया था अभी। जय गुरुदेव। ओके प्रवीण जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने देखा नहीं, मुझे दिखा नहीं यहाँ पे। प्रवीण जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धनंजय गुरु भाई, मैं तो बस वो ऐसे ही हो गया, टच हो गया, हैंड्रेज में सुन रहा था वो गुरुदेव की जो एक्सपीरियंस था इनका। और यही है कि कैंसर जैसी जो बीमारी जिसका आज भी मेडिकल साइंस के पास कोई खास जवाब नहीं है, फर्स्ट स्टेज में फिर भी डॉक्टर थोड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो फर्स्ट स्टेज क्रॉस कर जाए तो फिर तो जवाब ही दे देते हैं ऑलमोस्ट ऑल। देखो गुरुदेव भगवान की कितनी दयालु हैं, कृपालु हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो असाध्य रोग बीमारियां ठीक हो गई, पैसे सारा वो, अब जैसे गुरु भाई ने बताया कि सब कुछ बिक गया, ये सब कुछ बिक ही जाता, ये खुद भी चले जाते अगर गुरुदेव की शरण में ना होते। ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें सब कुछ बिक के भी जीवन बच जाए इसका ये संभावना कम रहती है। परमपिता परमेश्वर की शरण में है, उन्होंने शरण में लिया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। कोटि कोटि नमन हमारे गुरुदेव भगवान को, दादा गुरुदेव भगवान को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सही बात बोली प्रवीण जी, गुरु भाई आपने भी, कि सब बिकने की बात ही है। आज अगर मेरे पे भी आरोप आ जाता है, कुछ भी बात आ जाती तो हमें भी बेचने की नौबत पड़ती, बेचना पड़ जाता। बट ये तो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, पर मैं तो इनको मतलब इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है गुरु भाई की। मेरी तो मम्मी दीक्षित तो गुरुदेव से, मेरी मम्मी 1993 या 94 में ही हो गई थी, बट अब मम्मी की शुगर बहुत हाई रहती है, 200, 300, 350, 400, 500 तक पहुंच जाती है। पर आप देखिए गुरुदेव का आशीर्वाद कि मम्मी थोड़ा सा ही नाम जपती है, उसमें भी मम्मी को अभी वो कोमा वाली स्थिति में नहीं लाए। तो मैं तो मम्मी को ये कहता हूँ कि मम्मी अब तो पूर्ण समर्पण करके आप इनके चरणों में आ जाइए, सुबह शाम ध्यान करिए, नाम जप करिए। तो मम्मी बताइए, अभी पिछले हफ्ते 20 दिन से मम्मी कर रही है, मम्मी के अंदर परिवर्तन आया है। मम्मी की जो अंदर पहले डिमांड होती थी कुछ भी उल्टा सीधा खाने की, अब वो खत्म हो गई है।
मम्मी बहुत पॉजिटिव होने लग गई, और अब मम्मी कहते हैं कि मम्मी को आप बताइए गुरुदेव वो दिखा, और वो ही दो दिन बाद, एक दिन बाद मुझे दिखा और आज वो हो गया। तो बताइए कि गुरुदेव कितने दयालु हैं, कितने, वो ऐसा नहीं कि मुझे ध्यान में दिखा, सपना दिखा, एक लड़की आरोप लगा रही है वो दिखा, और वो ही आरोप आज वैसा का वैसा सिनेरियो शाम को कन्वर्ट हो गया। तो देखिए गुरु भाई, इससे बड़ी दया क्या होगी कि गुरुदेव कुछ नहीं देखते, कोई 20 साल से जुड़ा है, 20 दिन से जुड़ा है, वो तो सिर्फ आप पे अपनी दया बरसाते हैं। कहते हैं ना गुरुदेव, पात्र सीधा रखो तभी डालूंगा, तो वो बात सत्य है कि जैसे ही पात्र सीधा कर देते हैं उनकी दया बरसना शुरू हो जाती है जी गुरु। और इसमें भी गुरु भाई, ये नहीं कहूंगा कि हमारा कुछ है, हमारे कोई कर्म है, हमारी कोई साधना ऊपर है, हमने कोई इतना नाम जप लिया, नहीं, वो तो दयालु पिता है, वो तो शायद मम्मी का और हमारा समर्पण कराने के लिए उन्होंने ये सब करा होगा कि मेरी मम्मी का भी समर्पण हो जाए। तो गुरु की लीला गुरु ही जाने। बिल्कुल, गुरु की लीला तो गुरु ही जाने, उस चक्कर में तो हमें नहीं पढ़ना, हमें तो बस ये गुरुदेव भगवान मंत्र जप और ध्यान जो शिष्य धर्म बताया वो ही होता रहे हमारे से, तो उसी का सामर्थ्य दे, बाकी सब करने वाले कर्ता वही है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, निमित्त मात्र है, यंत्र मात्र है गुरुदेव भगवान के। तो गुरुदेव की असीम कृपा है, शब्दों में उनको नहीं हम एक्सप्रेस कर सकते उन चीजों को, शब्द नहीं है, कम पड़ जाते हैं। तो जो भी है वो सब प्रभु की इच्छा से है। दिव्य लेखनी में विनोद भाई ने बताया कि जो कुछ है वो पूर्व निश्चित है, जो कुछ हो रहा है तो ये प्रभु की कृपा ही है कि पूर्व निश्चित था कि हमारा उनकी शरण में उनको उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया। कोई ना कोई किसी पूर्व जन्म में बहुत अच्छा कोई सत्कर्म हुआ होगा जीवात्माओं से जो ये साक्षात परमपिता परमेश्वर की शरण में आए। मैं इस बात पे एक बात बोलना चाहूंगा गुरु भाई, ये बहुत अच्छी बात बोली, इसी का एक और एक्सपीरियंस है। जैसे अभी मेरे सिक्योरिटी में एक नए एम्प्लॉय ने दाखिला लिया सिक्योरिटी में, नाइट सिक्योरिटी में, तो वो पहले म्यूजियम में थे माधोपुर, फिर माधोपुर म्यूजियम से, सवाई माधोपुर म्यूजियम से उनकी अभी ड्यूटी लगने वाली थी किसी पेट्रोल पंप पे, या किसी पेट्रोल पंप के कोई ओनर है उनके बंगले पे, तो उनको यहाँ का ऑफर मिला, तो उनकी ड्यूटी तो लगनी वहां थी, पर उन्होंने कहा यार नहीं यार मुझे तो वहीं जाना है, मैं तो वहीं जाऊंगा रिजॉर्ट में। और आप देखिए गुरु भाई, वो यहाँ आए और पहले दिन आते ही गुरुदेव से वो दीक्षित हो गए, और रात भर उन्होंने, रातों रात पता चला, उसी टाइम गुरुदेव की फोटो डीपी पे लगा ली, मंत्र डाउनलोड कर लिया है घंटे का, डेली रात को वहां पे पूरी रात 12 घंटे की शिफ्ट में मंत्र चलाते हैं, उस मंत्र को रटते हैं और गुरुदेव को पकड़ने के बैठ गए। तो ये देखिए गुरु भाई, ये पूर्ण निश्चित होता है कि कहाँ जा रहे थे और कहाँ गुरुदेव ले आए उनको, कह रहे सर मेरा तो कोई आने का ही मतलब नहीं था यहाँ पे। ठीक बात, अपनी इच्छा से नहीं आते हम यहाँ पे जी सही बात है गुरु भाई इंट्री यहाँ पे वैसे नहीं है, यहाँ गुरुदेव की इच्छा से है इंट्री यहाँ गुरुदेव की। जी जय गुरुदेव धनंजय, जय गुरुदेव। चलिए सेशन का समय भी हो चुका है, हम इंगलूजी गुरु भाई को बुलाते हैं और ये जो हमारा सेशन है उनको श्री गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। इंगलू गुरु भाई, जय गुरुदेव, कृपया कर मंच पर पधारें। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई शायद नहीं है। चलिए, गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बोलिए कल के अवतार की जय हो, जय हो, जय हो, जय दादा गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव भगवान, जय सतगुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव। पीके सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरु भाई जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय राम जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय कल, जय कल की भगवान की, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।